उन्होंने एक बात को लेकर के एक निर्णय करके रखा है। वो निर्णय ये है कि 50% से ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी किसी इस पर से पर नहीं होगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी। आपकी ही सरकार के दौरान तय हुआ है और उस पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इम्पोर्ट ड्यूटी पहले भी 50% थी और आज भी 50% है। और ये झूठ बोल करके बागवानों को गुमराह करने की कोशिश है जो हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने पूछी है सेब के संबंध में, मैं उसमें एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, जब झूठ बोल करके सत्ता हासिल की जा सकती है तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। झूठ बोलना इनके लिए एक आदत सी बन गई है, उसमें कतई भी परहेज करने की इनकी आदत नहीं है। और उस दृष्टि से जिस तरह से इन्होंने अपनी बात कही है, मैं इनको एक बात कहना चाहूँगा, आप कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री हैं और राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते चुनाव के दिनों में आपने हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह सभाएं की थी और उन सभाओं में कहा था कि बागबान अपने सेब की कीमत खुद तय करेंगे। सेब का सीजन निकलने को है, अब आधे से ज़्यादा निकल गया है, क्या बागवानों को अपना सेब की कीमत करने का अवसर आपने प्रदान किया है? क्या बागवान खुद तय कर पाए हैं कि उनके सेब की कीमत क्या मिलनी चाहिए? ये आपने चुनाव में कहा था। और दूसरी बात, आपने सेब की इंपोर्ट ड्यूटी पर बात कही है और सेब की इंपोर्ट ड्यूटी जो खासतौर से वाशिंगटन से सेब आता है, यानी कि अमेरिका से सेब आता है, उसके संदर्भ में आपने ज़्यादा कहा है। और मुझे सचमुच में बहुत निराशा हुई कि कांग्रेस पार्टी की महामंत्री होने के बावजूद उनको फैक्ट्स की जानकारी नहीं है, तथ्य की जानकारी नहीं है। उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि सेब की कीमतें जो आप इंपोर्ट ड्यूटी की बात कह रहे हैं उस संदर्भ में 50% पहले भी थी और आज भी इंपोर्ट ड्यूटी 50% ही है, 50% ही है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। मालूम नहीं कहाँ से ये बात उठाई होगी, कहाँ से किस रूप में जानकारी दी। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी बातों को बड़ा स्पष्ट किया है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज़ को बड़ा स्पष्ट किया है कि सेब की कीमत बाहर से जो आने वाली, जिसमें 50 रुपये किलो से कम की कीमत होगी तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि बैन किया है, कोई भी सेब 50 रुपये प्रति किलो के कम के दाम के साथ भारत नहीं खरीदेगा। और उसमें अगर जो 50% एक्सपोर्ट, ये अपने इंपोर्ट ड्यूटी की अगर हम बात कहते हैं तो उसमें 75 रुपये किलो के हिसाब से, यानी कि सेब भारत अपने देश के अंदर नहीं आने देगा, इस बात को पहले से ही स्पष्ट किया है। नंबर दो, जो एक और चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो सेब जो है वो ये 50% ड्यूटी के बारे में, जो इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में जब बात कही गई कि ये 100% क्यों नहीं, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी 100% लगानी चाहिए। प्रियंका गांधी जी, आपको जानकारी होनी चाहिए, आपकी ही सरकार के दौरान जब कॉमर्स मिनिस्टर आनंद शर्मा जी हुआ करते थे, उन्होंने एक बात को लेकर के एक निर्णय करके रखा है। वो निर्णय ये है कि 50% से ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी किसी इस पर से पर नहीं होगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी। आपकी ही सरकार के दौरान तय हुआ है और उस पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और आज आप कैसे कह रहे हैं कि ये 100% होनी चाहिए थी।
और दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अमेरिका ने कुछ चीजों पर एक वो ड्यूटी लगाई थी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाई थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी 20% की, और उसके ही संदर्भ में भारत ने भी जो है जिसको हम रिटेलिएट इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं वो लगाई थी। जब अमेरिका ने उसको बंद कर दिया, देखिए इस बात को लेकर के जो वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड होते हैं उन ट्रेड में इस तरह की स्थिति आती है कई बार जहां इस प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। अमेरिका ने कुछ इस तरह के निर्णय किए थे जिसमें उन्हें थोड़ा सा इंक्रीज किया था, भारत ने उसके रिटेलिएशन में इंपोर्ट ड्यूटी जो है 20% इम्पोज की थी, लेकिन अब सहमति बनी उसमें कि भाई वो उन्होंने भी उसको रोक दिया और भारत ने भी रोक दिया। सिर्फ बात इतनी करें, लेकिन इस सारी चीज से जो है हिमाचल के सेब पर भारत के अंदर जहां से भी सेब पैदा होता है उसके रेट्स पे कोई भी अंतर, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, इंपोर्ट ड्यूटी पहले भी 50% थी और आज भी 50% है, और ये झूठ बोल करके बागवानों को गुमराह करने की कोशिशें जो हो रही है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।